प्रीतम भाई देश सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आज हम आलू की टिक्की बनाने जा रहे हैं। आलू की टिक्की कैसे बनती है आज हम आपको बताएंगे। हमने 5 आलू कद्दूकस किए बाल के, ये हमने इसमें डाल दिए। फिर हमने जे अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। अब हम पुदीना भी डाल देते हैं स्वाद के लिए। इसमें नमक अपने हिसाब से डालो भी कितना चाहिए, मिर्च जे इससे स्वाद और बढ़ेगा, मिर्च के बिना तो स्वाद ही नहीं आता। अच्छा, अब जब जे है हमारे पास ब्रेड का चूरा बनाया, कैसे बनाया, मिक्सी में क्रश करके। ये क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, इसके बिना बाइंडिंग नहीं होगी, जितना चाहिए उतना ही डालना है फालतू में, क्यों इसके बिना बाइंडिंग हो ही सकते, आलू तो बिखर जाएंगे। जहाँ सूजी डाल लो, जे के ब्रेड का चूरा डाल लो, तो जहाँ आप मैदा डाल लो, कुछ तो करोगे ना इसको बांधने के लिए, बाइंडिंग के लिए। इसलिए हम मैंने ब्रेड का चूरा बना कर दिया। देखो थोड़ा सा और डाल देते हैं, अब हमने ये मिक्स कर लिया, सारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अमचूर भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा बीच में खटास आ जाए, स्वाद बढ़े अमचूर का। अब इसको खूब मिलाओ, मिक्स करो। ताकि आलू बीच में मिक्स अच्छी तरह हो जाए, बैठ के बीच में मिक्स करेंगे तभी तो बाइंडिंग होगी, ऐसे बाइंडिंग नहीं होती। ये हमारा अब हो गया, देखो सारा इकट्ठा ही कर लेते हैं, इकट्ठा कर लिया, देखो ऐसे। अब इसमें से हम क्या लोइया बनाएंगे, एक लोई, दो लोई, तीन लोई, 4 और 5 लोइया बनानी। अब हम इसको क्या करें, एक एक को लेके गोल करेंगे अच्छी तरह मिक्स करके, इसको क्या करेंगे, गोल करके इसको चौथा इसको गोल किया, ये देखो ऐसे। ये हमारी टिक्की ना मोटी हो ना पतली हो, बस इतनी सी मोटाई हो, इसे ज़्यादा होगी तो अच्छी भी लगती है, कच्ची भी रहती है, बाकी अच्छी भी जी। इसके टिक्की चटनी के साथ खाओ, चने वाइट उसके साथ खाओ, जैसे भी दही डाल के खाओ, ये देखो। शाम को तो वैसे ही मन करता है खाने को, कुछ ना कुछ चाय के साथ हो जाए तो क्या, क्यों ना फिर टिक्की बनाई जाए। तेल हमने जो तेल करना वो हल्का करना है, धीमी आंच पे, ऐसे तेल हल्का हो, आग भी धीमी हो, तभी तो बनेगा। ऐसे करके इसको गोल, अगर नहीं है ना, एक मैं आपको और तरीका और बताती हूँ। एक अगर आपके पास छोटा कोई ढक्कन हो, जैसे ये है मेरे पास, ये ले लो, ये ढक्कन है ना, इसके बीच में क्या करो आप, अगर आपसे गोल नहीं बनते, इसमें आलू डाल के ना, जो मिक्सर बनाया इसमें डाल के ऐसे ऐसे गोल कर दो, बस इसको निकाल दो। ये क्या होगा, मैं टिक्की बन गई, बस। अगर आपसे गोल नहीं बनती तो बन तो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो ये देखो, अब देखो हमारी वो पक रही है, ये देखो फ्राई हो रही, देखो कैसे हो रही है, हल्के से एक पे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे गोल किया, जब इतनी मोटाई से ज़्यादा नहीं करनी, ये देखो। अब और बताती हूँ करके, एक
ऐसे ऐसे करके दबाओ, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिक्स, फिर इसको ऐसे कर दो चपटा, फिर इसको गोल करते जाओ ऐसे, हो गया। अब इसको ऐसे कर दो, देखो मिटाई। अब हम इस छोटी सी कढ़ाई में सब्जी नहीं डालेंगे, हम इसको बढ़ा देंगे कैसे, ये देखो एक टमाटर टिक्की तैयार कर ली है। एक टमाटर टिक्की तैयार हो गया। अब जो दूसरी टिक्की हम दोनों तैयार हो गए, हम इसमें एक और डाल, देखो टिक्की मेरी ये देखो कैसी बनी है ना टिक्की, देखो ये छोटे बड़े सब खा सकते हैं, मर्जी से अभी मिर्च डालो मर्जी से ना डालो, क्रिस्पी टिक्की बनी है मेरी। देखो जी मैंने टिक्की तैयार की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।